Hello friends, this is Preeti Shukla and in today's topic we will talk about Ramsar sites in India. ये एक बहुत ही important topic है exam point of view से देखा जाए तो. अभी जितने भी exam हो रहे हैं उसमें एक ना एक question Ramsar site से ज़रूर आता है. चाहे आप UPSC देख लीजिए, चाहे state PSCs, railway, SSC सारे exams में एक ना एक question Ramsar site से आता है. तो ये बहुत ही important topic है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड से रिलेटेड है, तो पहले जान लेते हैं कि वेटलैंड क्या होता है. तो वेटलैंड एक जो लैंड होता है वो पानी से भरा हुआ होता है. तो पानी से भरा हुआ लैंड वो हमेशा या तो पानी से भरा रहे या सीजनली भरा रहे, तो उसको वेटलैंड बोलते हैं. वेटलैंड को एक ट्रांजिशन बोलते हैं टेरेस्ट्रियल का और एक्वेटिक का. हम अपनी भाषा में उसको लैंड का और पानी के बीच के ट्रांजिशन को वेटलैंड बोल सकते हैं. वेटलैंड पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और लैंड के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इस पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से वेटलैंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला, जो रामसर कन्वेंशन, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 फरवरी 1971 रामसर सिटी ऑफ ईरान में, और इसी पे इसका नाम भी पड़ा है, रामसर वेटलैंड. 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे से मनाया जाता है. 171 पार्टीज में इसमें पार्टिसिपेट किया था इस पार्टीज ने, और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन को. ये सिर्फ एक ऐसा अकेला ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो कि वेटलैंड इकोसिस्टम पे होता है. इसके अलावा कोई भी वेटलैंड इकोसिस्टम पे ट्रीटी कन्वेंशन नहीं हुआ है. पूरे इंडिया में देखा जाए तो 42 रामसर साइट्स हैं. दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं. और कोई भी कंट्री अगर एंट्री लेना चाहता है इस कन्वेंशन में, वेटलैंड में, रामसर कन्वेंशन में, तो इसको एटलीस्ट अपना एक वेटलैंड इस नाम से डेजिग्नेट करना पड़ता है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के नाम से देना पड़ता है अगर कोई कंट्री इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है. तो पूरे वर्ल्ड में देखें तो 2400 रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो दुनिया का पहला रामसर साइट है वो कोबोर्ज पेनिनसुला में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. इसको रामसर साइट का नाम दिया गया था 1974 में. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूके में हैं, 175 है यहाँ पे. मैक्सिको में है उसके बाद 142. बोलीविया का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो रामसर प्रोटेक्शन के अंडर में आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इस मैप में देखिए ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिखाया है रामसर साइट्स का कैसा हुआ है. इंडिया में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे रामसर साइट्स. ये देखिए यूरोप में जिसके बहुत सारे दिख रहा है रामसर साइट्स, अफ्रीका में भी हैं. ये मेक्सिको जो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स में आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. यूके में इधर बहुत है. ये देखिए इंडिया में जितने भी 42 रामसर साइट्स हैं ये पूरे इसमें दर्शाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज जिसको नोट कर सकते हैं. ये स्टेट वाइज डिवाइडेड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है रामसर साइट कहाँ पे कितने हैं. जैसे यूपी में 8 है, पंजाब में 6 है, हिमाचल प्रदेश में 3, केरला 3. तो इस तरह टोटल 42 रामसर साइट्स हैं. अब एक एक करके हम सारे रामसर साइट्स के बारे में पढ़ते हैं. पहला है JNK, उसमें फर्स्ट रामसर साइट है वूलर लेक. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है वूलर लेक, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक. ये झेलम नदी से कनेक्टेड है. दूसरा है होकेरा, इसको नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड बोलते हैं. पेरेनियल वेटलैंड होता है जहाँ पे कंटिन्यूस पानी बहता हो, कंटिन्यूस पानी बहने को पेरेनियल बोलते हैं. ये झेलम रिवर के बॉर्डर पे है होकेरा वेटलैंड. थर्ड है सोमोरीरी, जहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन पाया जाता है, विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वाइल्ड एस पाया जाता है. और चौथा है सुरेंसार मनसर वेटलैंड, विच इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. फिर हिमाचल प्रदेश का देखते हैं. चंद्रताल है जिसको टेक्टोनिक लेक इन इंडिया बोलते हैं. टेक्टोनिक लेक वो लेक होती है जो कि
जो मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, मूवमेंट की वजह से जो लेक फॉर्म हुई है उसको टेक्टोनिक लेक बोलते हैं। ये बहुत ही ऊंचाई पे है, इस वजह से इसको हाई एल्टीट्यूड लेक बोलते हैं। यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जिस जो IUCN द्वारा रेड लिस्टेड है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड लिस्ट किया है स्नो लेपर्ड को, विच इज़ फाउंड इन चंद्रताल वेटलैंड। पोंग डैम लेक है जिसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। फिर तीसरा है रेणुका वेटलैंड। फिर पंजाब, पंजाब में हैरिके है जो शैलो वाटर रिजर्वायर है, मतलब बहुत गहरा पानी यहाँ पे नहीं है, और ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पे पाया जाता है। फिर कंजली है, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, जिसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले सिख गुरु थे श्री गुरु नानक, इनसे इसका एसोसिएशन है, इसलिए ये कंजली वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है रूपर्ट, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ये सतलज रिवर से पानी को डाइवर्ट करके बनाया गया वेटलैंड है। फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन है, जहाँ पे इंडिया में एक ही जगह पाई जाती है ये डॉल्फिन, और यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, रीस्टार्ट किया गया था 2017 में, फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल को रीइंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइस यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड। ये लोगों को फूड प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है लोकल बायोडाइवर्सिटी को। फिर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि शिवालिक हिल्स के पास में है पंजाब में, यहाँ पे इंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन रहता है और इजिप्शियन वल्चर पाया जाता है। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी इसी वेटलैंड के अंदर में आता है। फिर राजस्थान में सांभर लेक है, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हैं। सांभर लेक वेटलैंड जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पे फ्लैमिंगोस पाए जाते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। फिर केवला देव है, ये भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास का ग्रोथ होता है पैस्पिलम डिशियम। इस ग्रास की वजह से इस पे वाटर बर्ड अब यहाँ पे नहीं आना कम हो गया है, वाटर बर्ड्स का देखा गया कि साइबेरियन क्रेन का आना बहुत कम हो गया केवला देव पे, ड्यू टू दिस ग्रास पैस्पिलम डिशियम। वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में है, वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में, ये इट सर्व्स द सिटी ऑफ कोलकाता। फिर सुंदरबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर सुंदरबन इसलिए है ज़्यादा क्योंकि ये दिस इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। फिर असम का देखते हैं, दीपोर बिल है, जहाँ पे एक बर्ड है ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक, ये पाई जाती है, ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर पाया जाता है। फिर मणिपुर में लोकताल लेक है, ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का अकेला तैरने वाला नेशनल पार्क है ये केबुल लामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकताल लेक वेटलैंड पे, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है केबुल लामजाओ। फिर त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक, यहाँ पे थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल पाया जाता है, जो कि IUCN द्वारा रेड लिस्टेड है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसको रेड लिस्ट किया हुआ है। फिर उड़ीसा में है भीतर कनिका मैंग्रोव्स, जहाँ पे मॉनिटर लीजर्ड, वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, हमबैक डॉल्फिन, ये सब पाए जाते हैं। ये पार्ट है भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। फिर चिल्का लेक है, जहाँ ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर वो पानी होता है जो फ्रेश वाटर से ज़्यादा सलीन होता है और मरीन वाटर से कम सलीन, उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। चिल्का लेक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इरावडी डॉल्फिन पाया जाता है। चिल्का लेक हैव इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, दिस वेटलैंड हैज इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। एंड सी, ये इसको डेजिग्नेट किया गया कि पहला इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस,
रामसर कन्वेंशन में। फिर आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है जो कि नेचुरल यूट्रॉफिक लेक है। यूट्रॉफिक लेक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो। जैसे लेक में जब प्लांट्स जैसे है वाटर हाइसिंथ या दूसरे प्लांट्स, जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो वाटर का ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वो ले लेते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में फ्लोरा फौना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं यूट्रॉफिक लेक। तो ये कोलेरू लेक वेटलैंड है, ये गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन पे है। फिर है तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर है केरला में अष्टमुड़ी, ये नेशनल वाटरवे 3 यहाँ से पास होता है। और सस्टम कोटा है, यूनिक रिप्लेशिंग फीचर, मतलब खुद से भर जाता है पानी इसमें अपने आप से सस्टम कोटा में। फिर वेम्बनाड कोल वेटलैंड है जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुंदरबन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया का यही है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ये लॉन्गेस्ट लेक भी है इंडिया का। फिर एमपी में भोज लेक है, ये भोपाल में दो लेक से मिलके वेटलैंड बनता है, ये भोज लेक वेटलैंड। और यहाँ पे सारस क्रेन बहुत ज़्यादा आती है इस वेटलैंड पे। फिर महाराष्ट्र में है नांदूर माधमेश्वर वेटलैंड और दूसरा है लोनार लेक। लोनार लेक में ये सॉल्ट लविंग हेलोराशिया माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और रिसेंटली देखा गया था कि इस लेक का कलर, पानी का कलर यहाँ पे पिंक हो गया था, ये हेलोराशिया माइक्रोब्स की वजह से ये पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पानी का कलर रेड हो जाता है। फिर यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ये फर्स्ट अपर गंगा रिवर जो कि ब्रिज घाट से नरोरा तक है। यहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, इंडेंजर्ड घड़ियाल पाया जाता है, विच आर दिस गैंजिस रिवर डॉल्फिन इज रेड लिस्टेड बाय IUCN। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है जिसको 2015 में इसका नामकरण किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, इसका फिर से नामकरण हुआ था। फिर पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड रम्प्ट वल्चर और इंडियन वल्चर पाया जाता है। फिर समन बर्ड सेंचुरी पाया जाता है वेटलैंड यहाँ पे। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी वेटलैंड जहाँ पे इजिप्शियन वल्चर होते हैं। सैंडी बर्ड सेंचुरी वेटलैंड भी है। सरसई नवार झील भी पाया जाता है जो परमानेंट मार्श है, मार्श का मतलब होता है जहाँ पानी हमेशा भरा हो। यहाँ पे भी सॉरस क्रेन बहुत आते हैं। फिर सुर सरोवर है जो कि आगरा को पानी सप्लाई करता है, ये वेटलैंड सुर सरोवर वेटलैंड। फिर उत्तराखंड में असन बैरेज है जहाँ पे रेड हेडेड वल्चर, दीज आर एंडेंजर्ड, ये पाए जाते हैं। रम्प वल्चर, बेयर्स पोचार्ड, ये सारे पाए जाते हैं असन बैरेज में। फिर गुजरात में देखिए नाल सरोवर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला गुजरात का पहला वेटलैंड है टू गेट द रामसर टैग। गुजरात का ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड भी है, वाइल्ड एस भी पाया जाता है ये। फिर धूल है, ये 43% ऑफ इंडियाज वाटर बर्ड जो है उनका पॉपुलेशन धूल में ही प्रेजेंट है, 43%, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बदवाना है, इसका ये बहुत सेंचुरीज ओल्ड आर्टिफिशियल वेटलैंड है जो बहुत सालों पहले आर्टिफिशियली बनाया गया था बाई महाराजा गायकवाड़ 3। फिर गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वेटलैंड। बिहार में कन्वर ताल लेक है जहाँ पे रेड हेडेड वल्चर पाए जाते हैं, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और दो वाटर बर्ड्स, बेयर्स पोचार्ड एंड सोशिएबल लैपविंग, ये सब कन्वर ताल लेक वेटलैंड में पाए जाते हैं। फिर हरियाणा में है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर लद्दाख में है सो कार वेटलैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ब्रीडिंग एरिया माना जाता है ब्लैक नेक्ड क्रेन का। और ये इसको वाइट लेक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर बहुत सलीन होने की वजह से, बहुत सलाइन वाटर होने की वजह से एवेपोरेशन होने के बाद वहाँ वाइट सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है वाटर के ऊपर, इस वजह से इसको वाइट लेक भी बोलते हैं, सुकार लेक को। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो
ये थे आपके सारे 42 वेटलैंड्स इंडिया के रामसर साइट्स जो यहाँ पे बताए गए। तो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू।